हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन पे। देखिए, बात करें एनटीपीसी स्कैम की, तो रेलवे को कल रोका गया था। जो पटना में है वो भारी मात्रा में जो कैंडिडेट पहुंचे थे, और रेल रोको अभियान स्टार्ट हो चुका है। और इसके समर्थन में एक एमएलए हैं संदीप सौरव बिहार के, इन्होंने देखिए ट्वीट किया है कल कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में भारी गड़बड़ी के विरोध में पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर अभ्यर्थियों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। 10 घंटे तक चला रेल रोको अभियान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आप युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की जिद को छोड़ें और परिणाम को पुनर्प्रकाशन करवाएं, मतलब रिजल्ट को रिवाइज करवाया जाए। तो देखिए, कल जो राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जो 10 घंटे तक रेल रोको अभियान चला है, उसमें काफ़ी बच्चों को जो है हानि पहुंची है, वो घायल भी हुए हैं। लेकिन कल से जो है 26 जनवरी से रेल रोको अभियान जो है वो बड़ी तादाद में बढ़ने वाला है। और इनके पास में पहुंचकर, बड़े बड़े अधिकारी पहुंचकर ये भी बोल रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो रिवाइज होगा और हम आपकी बात जो है वो रेल मंत्रालय तक पहुंचाएंगे। लेकिन रेलवे में जब तक ये पूरे देश में नहीं फैलेगा, तब तक रेल मंत्री तक ये बातें नहीं पहुंचने वाली।